आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने तिरवाहा क्षेत्र के महानवा, रामपुरवा, डुमरी, बथना आदि जगहों पर कटाव व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का गहन निरीक्षण बुधवार को किया। बताते चले कि आपदा प्रबंधन द्वारा संभावित बाढ़ एवं कटाव को लेकर तिरवा क्षेत्र स्थित रिंग बांध एवं जमींदारी बांध पर सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है ताकि जान माल की क्षति न हो। इस हेतु जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा इस कार्य की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी द्वारा इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया व पाया गया कि महानवा एवं डुमरी के पंचायत में सुरक्षात्मक कार्य पूरा कर लिया गया है। परसा टोला डुमरी में ललन यादव के घर एवं कुआं कटने को लेकर वहां पर भी सुरक्षात्मक कार्य पूरा करा लिया गया है। महानवा में निरीक्षण के दौरान ग्रामीण कादिर के द्वारा बताया गया कि 60 फीट में बांस गिरा है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को तुरंत ठीक कराने को निर्देश दिया। बथना गाँव के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वहां पर मनरेगा से बांध का निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि यहां फ्लड फाइटिंग का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे को निर्देश दिया गया कि नदी के किनारे सघन वृक्षारोपण का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर जिला आपदा पदाधिकारी अनिल राय, SDM बेतिया, विनोद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा, कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए पश्चिम चंपारण संवाददाता तिलोकी राय की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।